गाइस वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज है ना ये वाला एरिया हमें पूरा क्लीन करना है। देखिए आप कितना डर्ट यहाँ पे इकट्ठा हो गया, आप देख सकते हो। हमने बनाया बैंगन का भरता, टेस्टी लग रहा है। आज है ना हमने क्लीन किया है, डीप क्लीन किया, बल्कि चिमनी को, इसके आसपास के एरिया को, ये देखिए इस दीवार को, और किया है हमने डीप क्लीन गैस को। आप कमेंट करके बताइएगा गाइस आपको चमकते हुए चीजें नजर आ रही है कि नहीं। गाइस धीरे धीरे गर्मियां जा रही हैं, सर्दियां आ रही हैं और ठंड है ना थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है, तो सारे के सारे जो है समर्स के कपड़े अभी रखने पड़ेंगे, विंटर्स के सारे कपड़े निकालने पड़ेंगे, तो काम बहुत सारे है गाइस। और गाइस अभी आगे आगे आप देखते रहिएगा, आने वाले व्लॉग्स में जो है हम काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आपके लिए गाइस बहुत कुछ स्पेशल करना है आने वाले व्लॉग्स में। गाइस आप देखना कि आपके लिए हम क्या क्या स्पेशल करते हैं। तो गाइस काम सारा खत्म हो चुका है लगभग, और थोड़ी देर में जो है वो मम्मी आने वाली हैं, तो फिर हमें कहीं जाना है, कुछ काम था, क्योंकि गाइस कई काम होते हैं कुछ ना, तो फिर गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने ऐसे कहीं सुना था कि शिव पुराण में ये बोला गया है कि शिवलिंग की पूजा कुछ खास तरीके से होती है, तो अभी मैं कोशिश करूंगी कि यूट्यूब से कुछ नॉलेज लूं और फिर तब मैं शिवलिंग की पूजा करूं। तो गाइस अभी मैंने कहीं से सर्च किया है कि कैसे शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं हम, तो पहले उसके लिए गाइस हम बना रहे हैं स्वास्तिक का एक साइन, और इसके बाद गाइस हम करेंगे शिवलिंग की पूजा। हम यहाँ पर रखेंगे शिवलिंग। अगर मेरे पास गाइस फूल पत्ती होती तो मैं फूल पत्ती भी यूज़ करती, नेक्स्ट टाइम से मैं वो भी ट्राई करूँगी कि वो भी यूज़ करूँ। गाइस हम स्नान करवाएंगे। गाइस मैंने ये पूजा की विधि को जानते समय ये जाना है कि शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि एक ऊर्जा, कोई खास ऊर्जा जो है वो शिवलिंग अगर घर में रखा हो तो उसमें से रिलीज होती रहती है, तो इसलिए निरंतर जो है पानी से या फिर दूध से जो है या हनी से, इन चीज़ों से, पंच तत्व से स्नान निरंतर शिवलिंग को कराना चाहिए। और जो अर्क बचा हुआ है गाइज, तो ये मैं अर्पण कर रही हूँ तुलसी माता को। हल्दी आप जानते हैं एंटीबायोटिक होती है, तो काफ़ी सारे फायदे इसके जो हैं वो मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट तो हो गए होंगे गाइज इस बनाना शेक को यहाँ रखे हुए, और मौका ही नहीं मिल पा रहा है पीने का, इतने सारे काम थे, यहाँ वहाँ घूम रही थी, और अब जो है फाइनली इस बनाना शेक को पीने का टाइम आ गया है, तो मैं इसको पी लेती हूँ। गाइज जब भी आप मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक खास तरीके की मटकी को बांधा जाता है जो जल से भरी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं गलंतिका। तो गाइज मैं तो सोच रही हूँ कि जब भी मैं मार्केट जाऊंगी तो पूजा वाली दुकान से वो गलंतिका लेकर आऊंगी, ताकि जो है शिवलिंग की हम नियमित रूप से पूजा कर सकें। गाइज इतनी देर हो गई है मम्मी का वेट करते हुए, मम्मी भी किसी ना काम में फंस जाती है तो फंस ही जाती है। अब इतनी देर हो गई, अभी तक मम्मी आई नहीं, इतनी देर पहले बोला था कि मैं आ जाऊंगी शायद, और अभी क्या है गाइज, तो मेरे को एक्चुअली ना कुछ सूट्स दिखाने मम्मी को कि ये वाले स्टिच कराऊं कि नहीं कराऊं, तो ये सब अभी मैं सूट निकाल रही हूँ गाइज। फिर तो गाइज अभी ना मैं अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे मिल गया कुछ और, ये देखिए मेरे को इतनी सारी कलेक्शन मिली है, और अभी मेरे को ये देखना पड़ेगा ये पुरानी लिपस्टिक्स हैं बट ये सूख तो नहीं गई हैं कहीं, मतलब कौन से वाले शेड की हैं देख लेते हैं। ये देखो शेड तो अच्छा लग रहा है गाइस, सूखी हुई भी नहीं लग रही, तो शायद काम ही आ जाएगी। और देखती हूँ गाइस अगर कोई ग्लॉस वगैरह मिल गया तो सर्दियों में ठीक रहेगा। एंड ये देखो ये क्या है, इसको चेक करते हैं गाइस क्या है। हाँ ये लिप ग्लॉस ही लग रहा है गाइस, पर ये ख़त्म हुआ हुआ लग रहा है ये वाला। तो और देखते हैं गाइस क्या क्या मिला है अभी इसमें। गाइस शॉर्पनर भी है मुझे लग रहा है लिपस्टिक्स के अलावा ना, तो ये अच्छा है कि ये जैसे मतलब कलर पेंसिल्स होती है ना इनको शार्प करने के लिए, ये शॉर्पनर भी है यहाँ पे। एंड और क्या क्या है देख लेते हैं, और भी कई टाइप्स की लिपस्टिक्स जो हैं गाइस वो मिल गई है, और ये मुझे लग रहा है गाइस ये लिक्विड वाली है शायद, ये ड्राई ना हो गई हो कहीं, पता नहीं कई दिन हो गए यूज़ करे हुए, तो लिप ग्लॉस लग रहा है गाइस ये वैसे तो। लिप ग्लॉस है,
तो ट्राई तो नहीं हुआ थैंकफुली गाइज, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने यूज़ नहीं करी और पता नहीं कहाँ गुम गई थी ना। कई बार होता है ना गाइज, जब हम बहुत ज़्यादा संभाल के रख देते हैं चीज़ों को तो वो मिलती नहीं है, है ना। तो यही मेरे साथ हुआ था। अब ये कुछ तो चलो ठीक है, थैंकफुली ड्राई नहीं हुई। और गाइज सबसे अच्छी बात तो ये है कि शेड्स भी कई सारे मिल गए हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। गाइज एक बात है, आज तो इसको साफ करने की हिम्मत नहीं है, कल देखते हैं। तो गाइज बहुत देर हो गई है वेट करते हुए, मम्मी तो आई नहीं, मम्मी से बात हुई थी, वो नहीं आ पाएंगे, उन्हें कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया है। तो अब क्या करूँगी गाइज, मैं ही जाऊँगी थोड़ी देर में, पता करके आऊँगी क्या कह रही थी और फिर देखते हैं कि क्या रहता है। तो गाइज मैं अब जा रही हूँ मम्मी के घर। तो गाइज थोड़ा सा भरता भी डाल लेते हैं मम्मी के लिए। तो गाइज जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, मैं आ गई हूँ मम्मी के पास। मम्मी से हाय टू गाइज। तो गाइज मैं अब जाऊंगी वापस थोड़ी देर में, तो मिलते हैं गाइज। तो मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर से वापस और अब बात करते हैं लिपस्टिक्स के बारे में। गाइज क्या आप जानते हो कि लिपस्टिक्स कई तरीके की होती हैं, जैसे कि शीयर, मैट और ग्लॉसी। गाइज लिपस्टिक लगाने के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लिपस्टिक अगर आप लगाओगे तो जो है सन की रेज से प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे लिपस्टिक में अगर SPF होता है तो। और इसके अलावा गाइज कॉन्फिडेंस बढ़ता है और स्माइल को तो खूबसूरत बनाती ही है लिपस्टिक। पर गाइज हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक अच्छे क्वालिटी की ही लिपस्टिक को चूज करें। लिपस्टिक आपको पता ही है गाइज कई सारे कलर्स में आती है, कई सारे शेड्स में आती है, पर इनके अलावा गाइज लिपस्टिक की अपनी इंपॉर्टेंस है। हमें गाइज अच्छी क्वालिटी की ही लिपस्टिक्स यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिप्स हो सकते हैं ख़राब। और ग्लॉस जितने भी अवेलेबल हैं गाइज वो भी हमें अच्छी क्वालिटी के ही यूज़ करने चाहिए। शेड्स हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं गाइज, इसमें ब्राउन शेड्स भी आते हैं, रेड शेड भी आते हैं, ऑरेंजेस भी आते हैं गाइज, मोव भी आता है, पिंक भी आते हैं, बहुत सारे शेड्स आप देख सकते हो कि लिपस्टिक्स के अंदर आता है। पर हमें अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक्स ही यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारे लिप्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें और वो ख़राब ना हो और आपके स्माइल को वो ब्यूटीफुल बनाएं और कॉन्फिडेंस को करें रेस। गाइज पता क्या है, हमारे यहाँ पे ना विंडोज़ के चैनल्स हैं, तो उन चैनल्स से ना डर्ट इजीली निकलता नहीं है किसी भी चीज़ से। तो उसके लिए स्पेशली ना हमने एक टूल ऑर्डर कर रखा है, वो टूल हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो ना जस्ट लाइक वैक्यूम क्लीनर वो वर्क करता है और जो है वो तेज़ हवा से ही जो है वो उस डर्ट को बाहर निकाल देगा। और गाइज वो ना वायर्ड भी नहीं है, उसको ये भी ज़रूरत नहीं है कि उसको हम लगाएं उठाएं और फिर प्लग में लगाएं या ऐसे करके, वो ना रिचार्जेबल है। तो हमने अभी ऑर्डर कर रखा है गाइज वो, और जैसे ही वो टूल आ जाएगा तो और जब हम उसको यूज़ करके जो है क्लीन करेंगे डिफरेंट चीज़ें, तो हम आपको उसका डेमो अच्छे तरीके से दिखाएंगे, होपफुली वो आपको यूज़फुल लगेगा। और गाइज आज हमारा जो है सुबह वाला टारगेट था कि हम वो चैनल के नीचे जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं उनको हम साफ़ करेंगे, लेकिन आज इतना टाइम नहीं मिल पाया और उनकी सफाई आज रह गई है, तो फिर देखते हैं कि कल हो पाती है कि नहीं। तो गाइज इसी के साथ हम करते हैं आज के ब्लॉग का एंड, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड गाइज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।